अरे विद्यार्थी, आज हमारी कविता है सूरदास के पौधे। कविता के शुरुआत के पहले कवि सूरदास के बारे में हमें संक्षिप्त परिचय ले लेना चाहिए। पहले उनका परिचय तुम लोग ध्यान से सुन लो। परिचय: विभिन्न साहित्यकारों के अनुसार सूरदास का जन्म आगरा और मथुरा के बीच रूनकटा नामक एक स्थान पर हुआ था। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्मांध थे। जन्मांध होकर इस तरह कविता लिखना असंभव जैसा लगता है, परंतु उनके लिए यह भी संभव हुआ। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य थे। वे आजीवन कृष्ण भक्ति में लीन थे, मतलब सारा जीवन ने ये वल्लभाचार्य सारा जीवन कृष्ण की भक्ति करते रहते थे। सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी इनके तीन प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनके मतलब सूरदास के तीन प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनमें सूरसागर सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध है। इनके ग्रंथों में बालक कृष्ण के सौंदर्य और सजीव वर्णन मिलता है। सूरदास ने ब्रजभाषा का व्यवहार किया था। भाषा बहुत थी, लेकिन ब्रजभाषा की व्यवहार, एक पुरानी भाषा जिसका नाम ब्रजभाषा है, तो सूरदास ने ब्रजभाषा का व्यवहार किया था। इनकी मृत्यु सन 1583 में पौरसोली नामक एक स्थान पर हुई। बस कवि सूरदास का परिचय संक्षेप में इतना ही है। अब मैं मूल कविता में चलूं, तुम लोग ध्यान से सुनते जाओ। सूरदास के पद कविता की भाषा ब्रजावली है। मैंने पहले ही कहा है कि सूरदास ने ब्रजभाषा में जो कुछ उसने लिखा था सब कुछ ब्रजावली भाषा में लिखा था, तो इसलिए सूरदास के पद जो कविता है यह भी ब्रजभाषा में लिखी गई है। यह एक पौराणिक कविता है। इस पद को अर्थात कविता को दो खंडों में लिखी गई है। पहले खंड में बालक कृष्ण के मन में आई हुई स्वाभाविक जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा, मतलब कृष्ण के मन में जो बातें जो कुछ है जानने के लिए उनके मन में तरह तरह की भावनाएं आती है, उनको जिज्ञासा बोलते हैं। और बाल्यकाल के क्रियाकर्म का वर्णन किया गया है। पहले खंड में श्री कृष्ण की स्वाभाविक जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा और बाल्यकाल के क्रियाकर्म का वर्णन किया गया है। दूसरे खंड में बालक कृष्ण के नटखटपन अर्थात दुस्ताली स्वभाव का वर्णन दिया गया है। आज मैं तुम्हें पहले खंड को समझाऊंगा, दूसरा खंड पिछले दिन को होगा। पहले खंड में श्री कृष्ण के मन में जो भाव आए हैं, उनका अभिजुग माँ के प्रति किस तरह
दिया गया है उसको दिखाया है, और दूसरे खंड में श्री कृष्ण का जो स्वभाव है, श्री कृष्ण ने जो कुछ किया जो करना नहीं चाहिए था, उसे लेकर एक गोपी माता यशोदा से कृष्ण के खिलाफ अभियोग दे रही है। अब मैं पहले पद की पंक्तियों को पढ़कर सुनाऊंगा, इसके बाद हर पंक्ति पढ़ पढ़कर अर्थ बताते जाऊंगा। कविता की भाषा देखकर पहले तुम लोगों को बहुत कठिन जैसा लगेगा, परंतु वास्तव में कठिन नहीं, आसान ही है। कठिन कठिन शब्दों का अर्थ मैं बताते जाऊंगा, जिससे तुम लोगों को पद की पंक्तियों को समझने में दिक्कत नहीं होगी, मतलब कठिनाई न होगी। अब मैं सारी कविता पढ़कर सुनाऊंगा। बालकृष्ण माता यशोदा से इस तरह अभियोग कर रहे हैं, ये पहला खंड। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुही दूध पियोत भई, यह अजहू है सोती। तो जो कहती बॉल की बेनी जो हवे है लंबी मोती, कारहत गोहत निवावत जय ही नागिनी सी भूई लुटी, कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, सूर सिरजी ओ दो भैया, हरी हलाधर की ज्योति। अब मैं हर पंक्ति का अर्थ बताते जाऊंगा। पहले मैं एक एक पंक्ति, मतलब हर पंक्ति को मैं पढ़कर सुनाऊंगा, और उसी पंक्ति का जो तात्पर्य है, अर्थ है, उसको मैं साफ साफ बताने के लिए कोशिश करूंगा। अगर कहीं कुछ तुम लोगों को कुछ पूछना है तो मुझे पूछ सकते हो। अब मैं पहली पंक्ति में चलूं, उसके बाद दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, इसी तरह मैं आगे बढ़ूंगा। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया मतलब माँ, कब ही मतलब कब तक बढ़ेगी, बढ़ जाएगी, चोटी मतलब बेनी। अर्थ इस प्रकार है, हे माँ मेरी चोटी अर्थात बेनी कब बढ़ेगी, कब लंबी होगी। दूसरी पंक्ति, कितनी बार मुही दूध पियोत भई, यह अजहू है सोती। कितनी बार मतलब बहुत बार, अनेक बार, मुही मतलब मुझे, मैं, पियोत मतलब पिलाना, अजहू मतलब अब तक। अर्थ इस प्रकार है, बहुत बार बहुत दिन मुझे दूध पीने के लिए दिया माँ, परंतु आज तक मेरी चोटी अर्थात बेनी सोती ही सोती रह गई। तीसरी पंक्ति, तो जो कहती बॉल की बेनी जो हवे है लंबी मोती, माँ इसका मीनिंग बोला मतलब बलभद्र कृष्ण के बड़े भाई, माँ तुमने कहा था कि बड़े भाई बलभद्र की बेनी की तरह मेरी बेनी भी लंबी और मोटी बन जाएगी, परंतु यह नहीं हुई। इस तरह अभिषेक कृष्ण ने माँ से दिया।
अब फोर्थ लाइन कारहत गोहत निवावत जे हे नागिनी सी भूई लोती। कारहत मतलब कंधी करना, चूल को कंधी करना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हेयर कम्बिंग, उसको कारहत बोलते हैं हिंदी में, बजाली भाषा में। गोहत का मतलब होता है गूंथना, मतलब बेनी गूंथना। निवावत मतलब नहाना। नागिनी जानते हैं सांप। भूई मतलब जमीन। अब सारी पंक्ति का अर्थ समझ लो। नागिन अर्थात सांप की तरह मेरी बेनी जमीन पर लोट जाने के लिए माँ तुम मेरे चूल को कंधी कर देती हो, बेनी गूंथ देती हो और मुझे नहा भी देती हो, परंतु कुछ भी फल नहीं मिला, कुछ भी फल नहीं मिला है, कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। फिफ्थ लाइन में देखो, कांचो, कांचो मतलब कच्चा, दूध ही पियावत पिलवाना, पची पची रोज दिन देती न माखन रोती। कांची दूध पियावत पची पची देती न माखन रोती। कृष्ण कहते हैं कि फिर बालक कृष्ण माँ से कहते हैं कि मेरी बेनी लंबी होने के लिए तुम रोज दिन मुझे कच्चा दूध पीने को देती हो, मेरे पसंद में आए हुए मक्खन और रोटी खाने नहीं देती, परंतु फल कुछ भी नहीं, अर्थात मेरी सोटी न बढ़ पाई। इस तरह कृष्ण ने माँ से अभिजुक दिया है। लास्ट लाइन देखो, सूर सिरजो दो भैया हरी हलाधर की जोड़ी। सूर मतलब सूर का नाम लिया, मतलब सूर मतलब सूरदास। सूर का नाम इसलिए लिया है कि ये पंक्ति सूरदास कहते हैं, कि सूरदास कहते हैं कि सिरजो, सूरदास खुद नहीं कहते हैं, ये यशोदा के मन में यशोदा ने जो कुछ किया वही सूरदास ने बताया। सूरदास ने कहा, इस तरह कहा, सिरजीवो मतलब बहुत दिन तक जीवित रहना, दो मतलब दोनों, दोनों मतलब कृष्ण और बलराम दोनों, ज्योति मतलब जोड़ी भाईचारा। अब अर्थ इस प्रकार है कि अब सूरदास कहते हैं कि बालक कृष्ण के मुंह से इसी तरह की बातें सुनकर माता यशोदा आशीर्वाद देती हुई कहती है कि तुम और बड़े भाई बलराम की जोड़ी अर्थात भाईचारा संबंध चिरंजीव रहे, अर्थात लंबे दिनों तक दोनों जीवित रहें। अब मैं सारे पद को, समस्त पद का मीनिंग जो है वही मैं तुम लोगों को व्याख्या करके सुनाऊंगा एक साथ। इसके पहले मैं हर एक पंक्ति का हर एक अलग अलग अर्थ बताया, इस बार समस्त पद को लेकर कृष्ण ने माँ से कौन सा अभिजुक दिया, किस तरह दिया, माँ ने क्या क्या कराया, वो जो कुछ है समस्त पद में ये सारी बातें आएगी। ध्यान से सुनो, बहुत सुंदर है, कठिन नहीं है। तो समस्त पद की व्याख्या इसी प्रकार है, बालक कृष्ण माता यशोदा से अभिजुक कर रहे हैं कि हे माँ मेरी चोटी
अर्थात बेनी कब बड़ी होगी? तुमने तो कहा था कि मेरी चोटी बड़ी हो जाएगी, परंतु यह तो आज भी चोटी ही है। कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि मैं तो काफी दिनों से दूध पी रहा हूँ, फिर भी यह आज तक छोटी ही है। हे माँ, तुमने मुझे कहा था कि मेरी चोटी अर्थात बेनी भैया बलदेव की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। तुम मुझे बार बार नहलाते, चूल को कंधी करते, गूंथते ताकि नागिन के समान जमीन पर लुटने लगेगी। फिर कृष्ण ने कहा कि हे माँ, तुम मुझे रोज दिन कच्चा दूध पीने को देती हो, मेरे पसंद के आए हुए मक्खन और रोटी मुझे खाने को नहीं देती हो, कच्चा दूध ही मुझे पिलाती हो। सूरदास कहते हैं कि बालक कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर माता यशोदा उन्हें आशीर्वाद देती है कि कृष्ण और बलराम की यह जोड़ी अर्थात जोड़ी मतलब भाईचारा संबंध हमेशा चिरंजीव रहे। विद्यार्थियों, कविता के पहले खंड में इस तरह बालक कृष्ण के माता यशोदा से अभिजोग और दूसरे खंड में कृष्ण के खिलाफ कृष्ण के विरोध है माता यशोदा से एक गोपी का जो अभिजोग है वो अभिजोग मिलेगा। दूसरा खंड पहले खंड से अधिक मनमोहक होगा, बहुत रुचिदायक होगी। तो आज के लिए ये सूरदास के पद के पहले खंड का इतने में ही मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। अगर तुम लोगों को कहीं समझने में कुछ दिक्कत हुई हो तो मुझे बताना और मैं साफ साफ है उनको मैं क्लियर कर दूँगा। ठीक है, हाँ।